अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। डेमोक्रेटिक बहुमत वाले निचले सदन में 230 में से 197 वोट महाभियोग के पक्ष में पड़े हैं। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया। प्रतिनिधि सभा में महाभियोग के आरोप पत्र पर मतदान हुआ, जिसमें ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग और विधि निर्माताओं को जांच करने से रोकने के आरोप लगाए गए हैं। प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने घंटों तक बहस के बाद पिछले सप्ताह ट्रंप के खिलाफ दो आरोपों की मंजूरी दी थी। पहला सत्ता का दुरुपयोग है, जिसमें ट्रंप पर यूक्रेन पर 2020 के आम चुनावों के उनके संभावित राजनीति प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को बदनाम करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। दूसरा आरोप ट्रंप पर महाभियोग मामले में सदन की जांच में सहयोग नहीं करने का है। ट्रंप अब सीनेट में मुकदमे का सामना करेंगे, जहां रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत है। वहीं इस महाभियोग पर व्हाइट हाउस ने टिप्पणी की है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एक भी रिपब्लिकन वोट प्राप्त किए बिना कोई सबूत दिए डेमोक्रेट ने प्रतिनिधि सभा के माध्यम से राष्ट्रपति के खिलाफ गलत तरीके से महाभियोग लगाया गया। आज हमारे राष्ट्र के इतिहास में सबसे शर्मनाक राजनीति प्रकरणों में से एक है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को ट्वीट किया, वे केवल राष्ट्रपति पर प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, उनका उचित जांच का कोई इरादा नहीं है, वे कोई अपराध नहीं खोज सके, इसलिए सत्ता और संसद के दुरुपयोग का अस्पष्ट सा आरोप लगा दिया। उन्होंने जोर दिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और चरमपंथी वाम पक्ष उन पर महाभियोग चलाना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि किसी और राष्ट्रपति के साथ यह नहीं होना चाहिए, दुआ कीजिए, मुझे उम्मीद है कि महाभियोग को फिर कभी इतने हल्के में नहीं लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद के निचले संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के महाअभियोग प्रस्ताव पास हो चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में से ये होना ही था। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास होने के लिए 216 वोटों की जरूरत थी। वहीं निचले सदन में डेमोक्रेट्स के पास 233 सदस्य हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन की कमजोर मौजूदगी की वजह से ट्रंप को हार का मुंह देखना पड़ा और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब क्या होगा? अमेरिकी सांसद के निचले सदन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद अब ट्रंप के सामने कैसी मुश्किलें आने वाली है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के इतिहास में तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर संसद के निचले सदन में महाभियोग की कार्यवाही की गई है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए सदन में दो प्रस्ताव पेश किए गए थे। पहले प्रस्ताव में ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप था। दूसरे प्रस्ताव में उनके खिलाफ महाभियोग सुनवाई के दौरान संसद के काम में अड़चन डालने का आरोप लगाया गया। दोनों ही प्रस्तावों पर वोटिंग के दौरान डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ और रिपब्लिकन के ट्रंप के पक्ष में वोटिंग की। 151 साल के इतिहास में तीसरी बार राष्ट्रपति के खिलाफ सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव होगा। ट्रंप ने लोगों से कहा, आप देख रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब संसद में ट्रंप के महाभियोग पर वोटिंग चल रही थी, तब वह मिशिगन के बेटेल क्रिक में सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर रहे हैं और मिशिगन के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वहीं कट्टरपंथी और वामपंथी कांग्रेस मेरे खिलाफ ईर्ष्या, नफरत और गुस्से से भरी हुई है। आप देख रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने दो डेमोक्रेट्स और अपने प्रतिद्वंदी जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला था, निजी और सियासी फायदे के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 2020 राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पक्ष में यूक्रेन से विदेशी मदद मांगी थी। जांच कमेटी के सदस्यों ने कहा था कि ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव की अखंडता को कमजोर किया है, उन्होंने अपने पद की शपथ का भी उल्लंघन किया है। अमेरिका की संवैधानिक प्रणालियों जैसे जांच और संतुलन शक्तियों का पृथक्करण और कानून के नियमों को चुनौती दी है। प्रतिनिधि सभा में वोटिंग के बाद यह तय किया जाएगा कि ट्रंप पर लगे आरोपों को स्वीकार किया जाए।
साथ ही उन्हें पद से हटाने का मामला चलाने के लिए रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली सीनेट में भेजा जाएगा या नहीं। 435 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद है, क्योंकि यहां डेमोक्रेट्स बहुमत में हैं। हालांकि 100 सीटों वाली सीनेट में 53 पर रिपब्लिकन हैं। ऐसे में महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का उम्मीद कम है, क्योंकि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले लोगों ने ट्रंप के खिलाफ रैलियां निकाली। ये रैलियां वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क सिटी और सेंट पॉल मिनेसोटा से फिनिक्स तक निकाली गई हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर महाभियोग चलाए जाने की मांग की। लोगों के हाथों में कानून से ऊपर कोई नहीं जैसे स्लोगन थे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना पड़ सकता है, सिर्फ इस आधार पर कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास किया है। सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। अगर सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव चलाने का फैसला भी लिया जाता है तो इसके लिए सीनेट के 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी। यह आसान नहीं है, क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन को बहुमत हासिल है। सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तभी मुमकिन है जब रिपब्लिकन सदस्य भी इसके पक्ष में हो। सीनेट के 45 डेमोक्रेट्स और 2 निर्दलियों के साथ ही रिपब्लिकन के 53 सदस्यों में कम से कम 20 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट करना होगा। यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ डेमोक्रेट्स ही पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कुछ मुद्दों पर ट्रंप का समर्थन दे चुके हैं। Did nothing wrong, nothing whatsoever. This was just an excuse. You are the ones obstructing justice. You are the ones bringing pain and suffering to our republic for your own selfish, personal, political, and partisan gain. They're bringing pain with this perversion. It's perversion. And when you watch some of these people get up and speak today, they don't even listen. Oh, you have violated the Constitution. Well, what has he done wrong? Well, we don't know that. They don't even have any crime. This is the first impeachment where there's no crime. I say, tell me what I did, please. Well, we don't know. You violated the Constitution. You had Turley, who's smart, Alan Dershowitz, these guys, all of them. They say, there's no crime. There's no crime. Right? There's no crime. I'm the first person that ever get impeached and there's no crime. I feel guilty. You know what they call it? Impeachment light. It's impeachment light. That's why, you know, with Richard Nixon, I just see it as undermining our national security and using the federal government for his own selfish personal gain is not impeachable conduct. Then, Madam Speaker, I don't know what is. I believe this is the most unfair, politically biased, rigged process that I have seen in my entire life. If Republicans want to defend the president's indefensible behavior, they can do so. I believe the Democrats are tearing this country apart. They're tearing families apart. This is incredibly divisive and has lowered the bar for what future presidents will face. When Jesus was falsely accused of treason, Pontius Pilate gave Jesus the opportunity to face his accusers. During that sham trial, Pontius Pilate afforded more rights to Jesus than the Democrats have afforded this president in this process. When just because you hate the president of the United States and you can find no other reason other than the fact that you're so blinded by your hate that you can't see straight, that you've decided the only way we can make sure this president doesn't get elected again is to impeach him. President Trump's behavior is exactly what our founders feared most. They knew that with the awesome power of the presidency came the risk of a president abusing that power for personal gain. Dear Ellie and James, this is a moment that you will read about in your history books. Today, I will vote to impeach the President of the United States. Mommy, what did Grandma do? I want my daughter to be able to tell her children, Grandma did the right thing, because in America, no one is above the law. The president did nothing wrong in this issue. It's a sham, a witch hunt, and is tantamount to a coup. I see coming off a president who will put his head down even through this sham impeachment, and he will do his job. He will put the American people first. He will tell them that I care about you. I'm about to say something my Democratic colleagues hate to hear. Donald J. Trump is president of the United States.
We used to care about democracy. We used to care about our allies. We used to stand up to Putin and Russia. We used to. On this vote, the yeas are 230. The nays are 197. Present is one. Article 1 is adopted. The question is on adoption of Article 2. The question is on the adoption of Article 2. Those in favor say aye. Aye. Those opposed, nay. No. The ayes have it. On this vote, the yeas are 229. The nays are 198. Present is one. Article 2 is adopted. JBD banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।